बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद राबील मलिक। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फ्रोज़न पराठास की एक ऐसी रेसिपी जो कि आप बहुत ही आसानी के साथ अपने घर पे तैयार कर सकते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ एंड शॉर्ट एंड क्विक सी रेसिपी है। तो चलिए जी अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया यहाँ पे 2 कप आटा, आप मैदा भी दे सकते हैं, ठीक है। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी यहाँ पे 3 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर। आपने साबुत चीनी जो है वो नहीं लेनी, पाउडर्ड शुगर लें आप, और जो हम बाज़ार के पराठे खाते हैं या फिर रेस्टोरेंट के, उसमें इसी तरह का फ्लेवर होता है जो चीनी से आता है। साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये डालने के बाद आपने इसमें डालना है, या आप ऑयल डाल सकते हैं और या आप घी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन सब कुछ आपने डालना है, जो भी आपने डालना है वो आप डालेंगे 3 टेबलस्पून। बस अब इन सारी चीज़ों को हम करेंगे अच्छे से मिक्स और एक बहुत ही मज़े की डो बना लेंगे। पहले इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। इस टाइम पे मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और पानी मैं डालूंगी इसमें पहले 1 कप और उसके बाद 1/4 कप, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमारी डो जो है वो बनके रेडी हो चुकी है। बस अब हम इसको तकरीबन 15-20 मिनट्स का जो है वो रेस्ट देंगे और इससे फिर बॉल्स बनाएंगे। डो को रेस्ट देने के बाद अब मैं इसको छोटे छोटे जो है वो पोर्शंस में डिवाइड कर लूंगी। जितने भी आपके बनते हैं अराउंड 10-12 इससे जो है वो बनेंगे। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह कि आप बच्चों के लिए ये बना के रख सकते हैं और सुबह उनको ब्रेकफास्ट में या फिर उनको जो लंच में जल्दी से क्विक 2 मिनट में पराठा बनाया और उनको दे दिया, तो ये बहुत ही हैसल फ्री और किड्स फ्रेंडली जो है वो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ फीडबैक शेयर करें। यहाँ पे मैंने सबको प्रिपेयर कर लिया और आप ये देखें, ये मेरे जो है इससे 12 डो बॉल जो है वो बन के रेडी हो गए। बिल्कुल छोटे साइज का आपने लेना है, इतना सा, बहुत बड़ा नहीं लेना। अब एक को मैंने ले लिया और इसका हम जो है वो पेड़ा बनाएंगे, बहुत ही मज़े का और बल वाला जैसे होता है, तो इसको इस तरह से करेंगे। इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से लंबी सी शेप में करना है और अब हम इस पे लगाएंगे जो भी आप लगाना चाहते हैं, ऑयल या घी, बस थोड़ा सा इस तरह से करके। चलिए जी, इसकी फोल्डिंग भी बड़े आसान तरीके से, इस तरीके से आप करते जाएं, एक एक फोल्ड। अब हम इसको यहां से उठाएंगे इस तरह से। यहाँ पे ये सब के सब मैंने बना के बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। अब जो है हम इसको स्प्रेड करेंगे। अब इस तरह से एक बॉल को लेके इसको अच्छे से हम कर लेंगे स्प्रेड, बिल्कुल प्यारा सा राउंड। और साथ में हमें चाहिए कोई भी क्लियर प्लास्टिक या बैग, मैंने यहाँ पे कुछ ले लिए इस तरह से राउंड शेप में। आप जो है ये स्क्वायर में भी ले सकते हैं, जिस फॉर्म में भी आप लेना चाहें इसको कवर करने के लिए। ये बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड हो गया। अब हम इसको जो है करेंगे इस तरह से, ये मैंने एक शीट ले ली, ठीक है, और इसके ऊपर आपने पहले थोड़ा सा जो है वो आटा डस्ट कर देना ताकि ये इसके साथ चिपके नहीं। बाजार से भी आपको ये मिल जाते हैं, लेकिन आप यकीन करें आप घर में बनाएं, जरूर अपने बच्चों के लिए रखें और उनको दें। ये बहुत ही हेल्दी, नीट, क्लीन आपके घर में बनाए गए, साफ सुथरे। बस इसके ऊपर दोबारा से जो है इसको थोड़ा सा आटा डस्ट कर लें ताकि ये इसके साथ चिपके नहीं, और इसको इसके ऊपर रखें। आप इसको 2-3 मंथ्स के लिए आसानी के साथ स्टोर कर सकते हैं। अब हम इसको जो है वो 1 by 1 करके रेडी कर लेंगे और फ्रीज कर। देखिए जी, यहाँ पे सारे पराठे हमारे बन के रेडी हो गए। अब मैं इसको करूँगी फ्रीज और जिस टाइम पे भी आपका दिल चाहे बस एक पराठा निकालें और उसे पकाएं और इन्जॉय करें। देखिए जी, कितना मजे का हमारा पराठा बनके रेडी है। आई होप आपको आज की ये रेसिपी वर्थ वॉचिंग लगेगी।
इसे करते हैं डिश आउट और आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।